This is HRC Rawalakot. We are making the layout for our new office structure, which will be made out of timber frame and dajji wall infill. Our staff are doing the layout for the structure. The tent behind this layout is the training tent, which we use for now for training. This is the new training hall, which is under construction. It's made out of RCC structures. It's made out of RCC structure, and we are going to interview the construction crew who are building this structure. Welcome to HRC Rawalakot. This is the office where we are operating from. This is the other office. That is the new toilet under construction. The construction crew is preparing the cement for the block wall. Yes, madam. Of the training hall. Today is a very nice and sunny day, although it's cold. This is the new layout for the dajji structure. We are building a timber frame dajji infill wall structure for people to demonstrate how to make a safe timber frame traditional structure. मेरा नाम फियाज अहमद जंजुआ है और मैं यूएन हैबिटेट में एचआरसी रावलाकोट में टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे काम करता हूँ. हम लोग भी यहाँ पे अपना एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो लोगों के लिए जो है वो हम दिखाने के लिए यहाँ पे भी एक हम मॉडल हाउस एक बना रहे हैं जो दज्जी का जिसको लोकल जबान में दज्जी फ्रेम कहा जाता है उसका हम बना रहे हैं. तो अभी ये कमरा हमने डिज़ाइन किया था तो ये तीन कमरे हैं जिसका अभी हम ये अपने एक लेआउट भी देखा है. हम यहाँ पे काम कर रहे हैं लेबर्स भी और ये 12x12 फीट के 12x12 के हम साइज़ हमने रखा है. तीन कमरे रखे हैं हमने ऑफिस यूज़ के लिए. तो इसमें जो हम लोग बुनियाद है वो 2 फीट तक हम खुदाई करेंगे. उसके बाद प्लेंथ उसी हिसाब से जिस तरह है हम इसको फुट 1.5 फुट तक ऊपर कम से कम 1 फुट ऊपर हम उठाएंगे. तो अभी ये जो है वो जिस तरह एरा की गाइडलाइंस में ये चीज़ शामिल की गई हुई है कि 15 फुट से ज़्यादा जो है वो हम कमरे का साइज़ नहीं रखेंगे. तो इससे ज़्यादा का हम रख सकते हैं लेकिन इसमें एक बात ये होती है कि फिर वो प्रॉपर तरीके से अगर कोई इंजीनियर जो है उसको डिज़ाइन करे तो अलग बात है. लेकिन जो हम मोटे मोटे असूल लोगों को बताते हैं उसके मुताबिक यही है कि हम जो है वो 15 फुट से ज़्यादा जो है वो अपने कमरे का साइज़ नहीं रख सकते. तो हमारे भी ये तीन जो कमरे हैं ये 12x12 के तीनों कमरे होंगे और इसमें हम दज्जी फ्रेम जो अभी एरा की जानब से जिसकी मंजूरी मिली है तो हम भी उसी तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे. दज्जी फ्रेम जो ब्रेस वॉल जिसको हम कहते हैं वो उसकी यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं. लोकल मिस्त्री हमने यहाँ पे हायर किए हैं और इंशाल्लाह हम चंद ही दिनों में जो है इसको मुकम्मल कर लेंगे. बाकी ये है कि इसमें हमने कोई 6-6.5 फीट तक का हम बरामदा भी रखेंगे और उसमें भी हम जो है असल में हमारा यहाँ पे मकसद इसको बनाने का ये है कि ताकि जो ट्रेडिशनल जिस तरह लोग बना रहे हैं उसी किस्म का हम यहाँ पे बनाएं. कुछ जो खामियाँ या जो गलतियाँ लोग करते थे उसको हम थोड़ी बहुत उनकी करेक्शन करके उनको बताएंगे कि इस तरीके से इस चीज़ को भी प्रमोट किया जा सकता है. मिसाल के तौर पे एक 8,000 फीट या 9,000 फीट पे रहने वाला बंद कोई शख्स जो है वो उसके लिए मुश्किल था कि वो सीमेंट वहाँ लेके जाता. तो ये गवर्नमेंट ने जो ये मंजूरी दी है इसकी तो लोग इस तरह के बनाते थे. ये ज़्यादातर जो फ्रेम है दज्जी का ये आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और दूसरे तीसरे इलाकों में उसके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ये बनाया जाता है. इस तरह की कंस्ट्रक्शन की जाती है. रावलाकोट में इसका इतना रुझान नहीं है लेकिन इसके कुछ देहातों में इस तरह का रुझान मिलता है. हमने सर्वे किया पिछले अरसे में तो हम यहाँ पे इसीलिए ये बना रहे हैं जैसा कि हमने दूसरे तीसरे मॉडल रखे हुए सिर्फ मैज इसलिए कि यहाँ पे विजिटर्स आते हैं ताकि वो आकर देखें और यहाँ पे वो कुछ सीखें. हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो टीमें हैं वो हर वक्त यहाँ पे मौजूद होती हैं. कोई भी बंदा आए पूछे वो खुद भी यहाँ से देख के रहनमाई हासिल करके जा सकता है कि ये कैसे बनाते हैं इसके तर्ज तमीर तरीका तमीर क्या है. मिस्त्री साहब कहीं जा रहे हैं जी? यहाँ मुजाहिदाबाद. मुजाहिदाबाद ते कितने अरसे तो लकड़ का काम कर रहे हो तुसी? तकरीबन 25 साल हो. 25 साल तो जी. ए जोर तुसी बढ़ा रहे हो जी? ए के साइज इस लकड़ दा? 2x2 2 इंच 2 इंच
इस्तेमाल कर कितने इंच टक लांदे हो तुसी? ए तक जितनी लकड़ ना साइज है ना 2x2 2 इंच इसका इधर से निसब करके तो इसको ये तो इसमें लकड़ कमजोर नहीं हो जल्दी? नहीं, दोनों साइड पे फिर इसको स्क्रू लगा लेते। अच्छा, फिर स्क्रू लगा, ठीक है। फिर ये लकड़ का मतलब ये क्रास जेडी बाल प्लेट होनी उसने कोनियों ते ये लग जाता। अच्छा, तो एस जोड़ एकड़ा जोड़ ए जोड़ है जी, ए भी एक चूड़ वाला जोड़ है, सुराख चूड़। इसको लोकल जबान में क्या कहते हैं? हम सुराख चूड़ वाला। चूड़ वाला जी। अच्छा अच्छा, जिस तरह चारपाई दी जेड़े तुसी लकड़ी दी चारपाई दरवाजे च होवे। अच्छा अच्छा, तो इसे इस तो फायदा क्या होना? ये फिर अपनी जगह फंसया रहना है, इतू हरकत नहीं कर, यानी ये जलजले विच इस तरह स्लिप नहीं हो जुलदा? स्लिप नहीं होना, और उस तू बाद इसकी इथे क्रॉस लग जासी। मेरा ला के दसो ना इस तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसको ये ब्रेसिंग तुसी जेडी कर दियो, इसको फिटिंग तू बहुत मजबूत हो जाए। इसको क्या कहते हो अपनी जुबान में? छिका लानी है? हां, छिका। अच्छा अच्छा अच्छा, क्रॉस उर्दू जेड़ा इसकी कहने। अच्छा अच्छा जी, ते ए लांदे उस ते इसनी सपोर्ट हो जासी, ये ना इधर हरकत कर सकना ना इधर। ए की ए चीजें किस दसी तुसों? करने हैं इतने जाहिर है, इस्तेमाल करने हैं, कम करने हैं। लोग इस्तेमाल कर देने हैं चीज़ें। अच्छा अच्छा, तो ए वाली जो जोड़ है, इस जोड़ का कहना? ये जोड़ है क्रेंची ना, जड़ी है तीन छत पाने हैं ना। हाँ। उसमें क्रेंची ना लास्ट मुंह वाला जोड़ है। मुंह वाला जोड़ इसको आते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये इस तरह कटिंग भी चाहिए, उरे परे नहीं जा सकता, स्लिप नहीं होता। स्लिप नहीं, ये उस जगह तो लग रहा है जिसे तुसों में क्रेंची लग सी, क्रेंची दी। अच्छा, छत चादर वाली छत पे क्रेंची आ सी। आखिरी जगह जोड़ आ के फिर इसनु क्रेंची थले एक काबला आ सी उपे। अपनी जबान कैंची इस जोड़ को जोड़ केड़ा? एक कश्मीरी जोड़। एक कश्मीरी जोड़। ज्यादातर छत ने बाल प्लेट टाई बीम ए वॉल प्लेट विच इस्तेमाल होंदा इस तरह जी? इस तरह आंदा जी? इस तरह। इस तरह ते फिर इसमें किल भी लांदी या पतरी अगर ला देती जो लोग कैसे ला रहे हैं? किल भी ला रहे हैं। किल भी ला रहे हैं कि मजबूती हो जाए। लेकिन ये दसो कि इस तले जरूरी है कि स्थम आना चाहिए? हां, जरूरी है, जोड़ दे तले है। अच्छा, वरना अमूमन से देखिए ना कि जोड़ से का ते पिया का थम थे इस पास ही होता है, असल में सही जोड़ नहीं पिया। अच्छा, इस तरह जोड़ पिया हो तो इस तक के तरीका कार इसको कट करते किस तरह तुसी इस लकड़ को? इसकी पहले इथो पूरा 1 फुट लंबाई लेके नाप दियो तुसी? हां, ए 1.5 इंच ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, 1.5 इंच फिर पीछे करके एक क्रॉस पिच। अच्छा, फिर इथो 1.5 इंच दरमियान विचो। अच्छा, पहले फिर इसमें दरमियान करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इधरों 1.5 करके इसमें क्रॉस कटिंग विच। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस पे हमने तारकोल लगाया है, ये इस कीड़े से और ख़राब होने से लकड़ी महफूज हो जाती है, तो ये सब नीचे लगाना चाहिए ताकि पानी मिट्टी से ये जो लकड़ी ख़राब होती है इससे बच जाती है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। जॉइंट सुराख करके चूर दे के ये सीढ़ी लगाई हुई है ताकि इसकी मजबूती हो, ऊपर जो है बाल प्लेट उसकी मजबूती के लिए ये इसके लिए। अब क्या करना? ये साल, अब ये साल का लेबल कहते हैं, साल लेबल लेबल, यानी इसकी लेबल चेक कर रहे हैं।
सीधा है इधर उधर तो ये सीधा या टेढ़ा कैसे है इसको ऐसे करो। जिम कौन बनाया है इसका? पहले हमने फाउंडेशन बनाया है, जमीन से 1.5 फुट नीचे है, 1 फुट ऊपर है। तो इसका ये जो हमने एंकर वोल्ट रखा हुआ है, ये नीचे से प्लांट के बिल्कुल नीचे से बेस से आया है, तकरीबन 3 फुट इसकी लंबाई है। तो यहाँ से फिर हमने इसको प्लांट क्लियर किया, उसके बाद प्लांट पे हमने ये जो एंकर बोल्ट लगाए हैं ये वाले, ये सब एक लाइन में सूत्र में प्लांट में नीचे से तकरीबन 2.5-3 फुट ये लगाए हुए हैं। उसके अलावा फिर हमने ऊपर ये लकड़ी का दासा रखा, जिसका साइज 4x4 4 इंच और 4 इंच है। उसके बाद हमने इसके कोने पे जोड़ बनाए, ये तकरीबन 6 इंच लंबा होना चाहिए और 6 इधर से, ताकि लकड़ी यहाँ से महफूज रहे। अगर यहाँ से ख़राब हो रही है तो कम अज़ कम अंदर ना जाए, हमें यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद हमने इसमें जो मेन पोस्टें इस्तेमाल की हैं, ये भी 4x4 इनका साइज है, 4 इंच ज़रबे 4 इंच, और इसकी हाइट जो है 8 फुट है। इसके ऊपर जो हमने प्लेट रखी है, ये भी 4x4 की है। और इसके अलावा इसमें एक और सेकंड पोस्ट है जो 2-4 इंच की है, 2 इंच मोटाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। उसके बाद हमने जो इसमें क्रॉस ब्रेसिंग रखी है, यानी ताजी फ्रेमिंग, इसका 1 इंच मोटाई है और 4 इंच चौड़ी है इसकी। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के हमने ब्रेसिंग की है फ्रेमिंग। तो इसमें ये देखें, ये अलग मुख्तलिफ स्टाइल है। और इसके अलावा ये है, ये भी एक मुख्तलिफ स्टाइल है इसका। आजमत साहब, ये मुख्तलिफ स्टाइल क्यों बनाए गए हैं? बस ये कुछ चेंजिंग करते हैं कि शायद इसमें अच्छी मजबूती हो, उसमें वो हर आदमी देखे जैसे भी कर सके। बहरहाल मजबूती के लिहाज से तो सब ब्रेसिंग इसकी अच्छी है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, ये पोस्टर जो आपने लगाए हैं जी, ये कितने कितने पासे लेते हैं? ये तकरीबन 6 फुट पे मेन पोस्ट है, 6 फुट पे, और जो सेकंड पोस्ट है ये इस पोस्ट के 2 फुट का वक्फा है, और ये 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कम अज कम। तो बाकी जो मेन पोस्ट है तकरीबन 6 फुट है। अच्छा, इसके अलावा हमने इस जो जो पोस्ट है ये इसके ऊपर बाल प्लेट में जोड़ आता था, हमने इसके पोस्ट के ऊपर जोड़ के नीचे पोस्ट दिया, और या कैपिटल का इस्तेमाल किया है ताकि जोड़ महफूज रह सके। अच्छा, और दूसरा ये इसका ये भी है कि ये वजन जो है वो सही डिस्ट्रीब्यूट कर ले। उसके बाद जितनी भी इसके ऊपर क्रेंचियां हमने डाली हैं, ये सब पोस्टों पे आई है, इसके अलावा इधर या इधर नहीं डालनी है। अच्छा, इससे मजबूती ज्यादा अच्छी होती है। तो इसमें ये हमने मुख्तलिफ ब्रेसिंग की हुई है अंदर, ये आप देख ले। अगर मसलन किसी के पास ये ज्यादा इसमें जो है ये जो क्रॉस ब्रेसिंग है ना, चरखी टाइप, ये ज्यादा मजबूत है। ये 2 फुट ऐसे है और 2 ही तकरीबन ऐसे है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों के पास अगर लकड़ी कम हो तो वो तकरीबन ये 4 फुट है, इसमें मिली जुली ब्रेसिंग कर सकते हैं। इसमें ये डिजाइन भी है, ये भी है, और ये डिजाइन भी अलग रखा हुआ है, वो बाहर छोटा वाला भी है। इसमें ये हमने खिड़कियाँ रखी हैं पीछे, ये भी कोने से थोड़ा हटके है, तकरीबन 2 फुट होनी चाहिए, अगर 2 नहीं है तो बरहाल कोने में नहीं होनी चाहिए एकदम। इसमें हम एक चौकाठ अलादा लगाएंगे और उसमें खिड़की के पल्ले वगैरह फिटिंग करेंगे, ताकि अगर वो खराब हो जाए बाद में हम चेंज करें और इस दीवार को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए वो चौकाठ वगैरह अलादा रखनी चाहिए। और उसके अलावा ये ऊपर जो हमने क्रेंचियाँ डाली हैं, इसमें इस टाइप भी में ये इसमें जोड़ आ रहा है, ये हमने कश्मीरी जोड़ रखा है। अच्छा, इसके बारे में कुछ तफसील से बताइए किस तरह होता है ये? इसकी क्रॉस कटिंग है, ये ऐसे जाता है इधर से और यहाँ से नीचे आता है, ये इसके दरम्यान में एक की है, लकड़ी की लगाई हुई अच्छा, है। ये ठोक के लगाते हैं हम, ताकि जो इधर और उधर प्रेस हो जाता है तो फिर ये इसका टूटने का या निकलने का किसी तरफ का भी खिंचाव इसको खोल नहीं सकता है। अच्छा, तो मजबूती के लिहाज से ये बहुत अच्छा जोड़ है, तो ज्यादा हमें अपने मकानों में यही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये किंग पोस्ट लगा हुआ है, ये भी यहाँ से
टाई बीम में थोड़ा सा टक दे के या चूर दे के इसको नीचे लगाएं। और ये सेकंड स्टेप है जिसका ये दोनों तरफ से कटिंग एक जैसी होनी चाहिए ताकि इसको स्किन पोस्ट के साथ भी स्पोर्ट हो और नीचे भी हो। अच्छा, इसकी हाइट तकरीबन 4.5 फुट है किंग पोस्ट की। अच्छा, किंग पोस्ट की हाइट 4.5 फुट है। और अजमेर साहब ये बताइए इसकी जो हाइट है कैंची की हाइट ये बता सकते हैं कि कितनी है? ये 4.5 फुट है इसकी हाइट। अच्छा, स्लोप स्लोप के बारे में कुछ बता सकते हैं? स्लोप है हमारी। अच्छा अच्छा, दरमियान से ही हम उठाएंगे तो इसका स्लोप बन जाता है। अच्छा, और ये चादर को भी एडजस्ट करना पड़ता है कमरे के लिहाज से, इसलिए ये स्लोप हमें उस हिसाब से रखना पड़ता है कि चादर भी एडजस्ट हो जाए और हमारा काम भी ठीक हो ताकि ऊपर बर्फ वगैरह भी ना खड़ी रहे। उसके अलावा क्रेंची की दोनों साइडों पे ये हम स्टेप लगा रहे हैं ताकि क्रेंची इधर उधर ना जाए। उसके अलावा क्रेंचियों को दोनों तरफ से ये पत्रियां वगैरह सही इसकी लगी होनी चाहिए, कम से कम ये 2-2 किल लाजमी पत्री में हों ताकि उसकी मजबूती हो अच्छी। अच्छा, और इसके अलावा क्रेंची के हमने कोने में भी ये कोई जोड़ डाले हुए हैं, ये मुख्तलिफ जोड़ है, वी ऐसे व्यू जोड़ कहते हैं इसे, तो ये भी स्लिप वगैरह नहीं होती है। पहले तो हम ऐसे ही काप लगा के ठोक देते थे लेकिन इससे ये इसकी रुकावट बन जाती है मजबूती के लिहाज से। हाँ, दासे किस तरफ बनता है? ये जो दासे का कूना है ना, ये ऐसे हम इसको टक दे के ना इसको ऐसे फिटिंग करते हैं कूने पे। अच्छा, और इससे हम इसको सुराख करके इधर नीचे ये मेन पोस्ट यहाँ से उठाते हैं, ये इधर अच्छा। सुराख करके चूर लगानी पड़ेगी तो ये दासे का नीचे कूने वाला। अच्छा, तो ऊपर जो है बाल प्लेट का कूने वाला वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये कूने का जो वो जोड़ है ऊपर पोस्ट के ऊपर वो ऐसे हम इसकी फिटिंग करते हैं और नीचे पोस्ट आ जाती है। अच्छा, इसके ऊपर कोई कील लगाते हैं या कोई स्टील की कील लगाते हैं? स्टील की जो पत्री है वो ऐसे साइड पे एल बना के ताकि ये निकले ना। अच्छा अच्छा, तो ये लकड़ी भी बराबर हो जाती है और जोड़ भी इसका अच्छा पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, उसके अलावा हम ये जो पोस्ट है पोस्ट के ऊपर जो कैपिटल है ये इसको चूर दे के हम लगाते हैं कैपिटल को, तो इसकी ऐसे फिटिंग करते हैं। अच्छा, ताकि ये इधर से निकल ना सके और मजबूती हो, बाद में इसको स्टील की पतरी भी लगा लेते हैं। अच्छा, और मजबूती तरह से और मजबूती के लिए। अच्छा अच्छा, तो इसमें हम औजार इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा ये कैपिटल ही बना रहा हूँ मैं, इसमें ये सुराख करता हूँ और फिर इसका ये पोस्ट के ऊपर इसकी फिटिंग करके चूर निकाल के तो ये ऐसे इस पे फिटिंग करूंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लाइनें भी लगाई हुई है ऐसे ही, इसमें चूर निकाल के इसमें फिटिंग होगा। अच्छा, उसके बाद हम ये बिजली के औजार भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ जो ड्रिल है वो हमें इधर एंकर बोल्ट या इस चीज के लिए सुराख करने पड़ते हैं, इससे हम वो करते हैं। इधर से सुराख मार रहा हूँ तो बस ऐसे करते हैं, ये हमारे लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, एक तो इससे ये सुराख में सफाई बहुत है। अच्छा, एंकर बोल्ट हमारा जो है वो फंसता नहीं है, सही इजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाती है। अच्छा, अजमल साहब कोई ऐसी जगह जहाँ पे बिजली ना हो तो क्या भी है वो मैं ले आता हूँ जी, आपको दिखाता हूँ जी। और कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं इसमें? ज्यादा हम ओ लकड़ी ना रंधा ही नहीं। अच्छा, इसमें हम लकड़ी के रंधे भी इस्तेमाल करते हैं, बिजली वाले भी। अच्छा, ये बिजली वाली है। ये आर्मी इस्तेमाल करते हैं जी, इसको हम गुनियों कहते हैं, जाविया बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी हमें सीधा काटना हो तो फिर इसका इस्तेमाल कर। ठीक है ठीक, तो ये चीजें जाहिर है इस काम में ये गुनियों वगैरह का काम ना हो तो फिर काम सही नहीं होता है। अगर बिजली ना हो तो फिर ये हम देसी बर्मा इसको कहते हैं, तो हाथ से इसको ऐसे घुमा के तो सुराख करते हैं एक बोल्ट वगैरह के लिए जितने भी दासे में लगाते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा हम
इसमें लकड़ी के ये रंधे भी सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इससे फिनिशिंग होती है लकड़ी की। ऐसी जगह जहाँ पे बिजली ना हो, वहाँ पे हाथ से भी काम करते हैं। अच्छा, तो और भी हमारे पास बड़ी मशीनें हैं जो हमने इधर नहीं लाई हुई हैं। ये दरवाजे खिड़कियों में वो बड़ी प्लेनर वगैरह यूज होते हैं, तो वो बाद में हम इंशाल्लाह ले आएंगे इधर जब दरवाजे खिड़कियों का। अच्छा, साहब कुछ छत के बारे में बताए, जो आदमी छत में ये जो हल्की हल्की वो दी है पट्टे जी, ये किस तरह दी जाती है? ये चादर के लिहाज से दी जाती है? हाँ, ये चादर जितनी लंबाई होती है ना इसकी, तो वो तकसीम करके इसकी 3-4 लाइनें देते हैं हम, ताकि बर्फबारी का वजन भी हो तो ऊपर इसको कील लग जाते हैं, तो मजबूती होती है इसकी। अच्छा, ये दज्जे को रंग क्यों दिया गया है? ये खास बात है, ये जो इसको काला रंग आपको नजर आ रहा है, ये रंग नहीं है, बल्कि ये इसको तारकोल कहते हैं। ये पोस्ट पे लगाई हुई है सामने तारकोल, और इसमें मिट्टी का तेल मिला के लगाते हैं ब्रश के साथ, ताकि ये लकड़ी पानी कीड़े और ऐसी चीजों से महफूज रहती है। अगर ये लगा हो तो इसको कीड़ा नहीं खा सकता, वो साथ ही चुमुट जाता है। गुड, इसको तारकोल कहते हैं, लुक भी कहते हैं हमारी देसी जुबान में, जो रोड पे डालते हैं। तो ये सब पे हम जितनी भी फ्रेमिंग की है ना, इस सब को ये लगाएंगे, क्योंकि इसके लगाने के बाद फिर इसमें वो छोटे पत्थर और गारे की भराई करेंगे। अच्छा, इसमें पत्थर कितने साइज के लगाएंगे हम? पत्थर इसमें छोटे छोटे, बड़े पत्थर मना है, इसलिए कि वो बड़ा पत्थर आ जाएगा तो फिर वो उसमें गारे की बहराई सही उसको पकड़ नहीं करेगी। इसमें जितने छोटे पत्थर होंगे तो वो इसको गारा सही पकड़ेगा। ये पहले जो छत डाल रहे हैं हम, उसके सीधे पत्थर लगे हुए थे, पहले हम ये सीधे लगा रहे थे, लेकिन अब हमने इसमें क्रॉस ब्रेसिंग की हुई है, ताकि ये हरकत करे तो इधर उधर इसकी मजबूती हो। अच्छा, इसलिए ये अब हम इसको नए अंदाज में सोने लोग ब्रेसिंग कर रहे हैं। अच्छा, ताकि क्रेंची को इधर या उधर न गिर सके। अच्छा, ये अजमत साहब, ये जो आपने यहाँ पे ये जो फोल्डिंग के साथ ये जो आपने ये एंकर बोल्ट उठाए हैं, इसको आप फिक्स किस तरह करेंगे इसके साथ? ये आपको मैं उधर मैंने फिक्स किया हुआ है जी, जी वो देख लें, ये पोस्ट के नीचे से सुराख करके जितनी ये काबले की हाइट होगी वहाँ पे साइड पे एक सुराख करके वहाँ से हम इसको नेट लगा देते हैं। ये बोल्ट फिट कर रहे हैं नहीं, ये इसको प्लेट बोलते हैं, इसको काबला बोलते हैं, इस पे बोल्ट भी चढ़ेगा ये नेट। कितना गैप है सब बता दीजिए, ये लंबा कितना है? ये 3.5 और 3 से, ये 2.5 का 3 भी लगा सकते हैं आप, 3 फुट लंबा। मेरा नाम जमील है, यून हैबिटेट में काम करता हूँ, और ये जो दासा हमने लगाया है, ये दासे के लिए जो बुल लगाए, इसका मेन मकसद ये होता है कि इसको 2 दिन कम से कम खुश्क होने में लगते हैं। 2 दिन के बाद, 2 दिन से पहले अगर हम इसको दासा लगा लें और इसको बुल टाइट करें तो ये ऊपर खींच के ऊपर आ जाता है, चूँकि मसाला कच्चा होता है। तो ये 2 दिन का टाइम हम इसको देंगे, 2 या 3 दिन, ताकि खुश्क हो जाए, और जब हम इसको टाइट करें तो ये ऊपर ना आए, बल्कि अपनी जगह ये एडजस्ट हो जाए। तो उसके बाद हम इसके ऊपर वाला काम करेंगे, पिलर लगाएंगे, उसके बाद छत लगाएंगे। डोरी बांधी जाए 5 इंच यहाँ से, 5 इंच वहाँ से निशान लगा के इस पर डोरी खींच कर लगाई जाए ना, फिर ये सीधा होता है। तो ये आसान मामला है, इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। दीवार के सेंटर में होना चाहिए ये, और ऊपर से सीधा ही में होना चाहिए, वो खड़ा भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ताकि दासे के सेंटर से ये ऊपर आए, उसमें नट लगेगा ये।
यहाँ से यहाँ तक 5 इंच होना चाहिए, 4 इंच या 5 इंच जितना ही आपको पसंद है, खूबसूरत लगता है इतना ही रख सकते हैं, 5 इंच या 4 इंच इस यानी इसके सामने वाले हिस्से से पीछे। तो दीवार के सेंटर में काबला होना चाहिए, ऊपर से बराबर होना चाहिए और मतलब यानी खड़ा भी साल लेवल में होना चाहिए सीधा, फिर तब जाके ये खूबसूरत लगेगा। ये चीज़ हमने दासे का एक सैंपल तैयार किया है, उसको ये बाहर से एक स्टेप लगी है, पतरी कहते हैं इसको अपने सादी जबान में, तो इसको आधा आधा काट के दासे के कोने को इस तरह से जोड़ दिया गया है। अब इसका मेन मकसद ये है कि ये जो पतरी लगी है ये पीछे वाली इसको भी पकड़ के रखेगी और इसको भी पकड़ के रखेगी। तो ये जो बुल्ट लगाया हुआ है ये देख रहे हैं आपके, ये बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। अब ये भी इसके सेंटर आ रहा है, ये बुल्ट जो लगे हुए हैं ये इस दासे के सेंटर में आना चाहिए ताकि ये सिदाई में भी ठीक हो और ये इसको पकड़ कर भी रखें। तो ये तो हमने ये सैंपल रखा हुआ है, जब इसको सही दूसरा दासा बना के लगाएंगे तो ये उस पर ये फिटिंग होगी इसकी, इसको सेंटर से सुराख करके ड्रिल के साथ फिर उसमें इसको बैठाना है। तो इसके अलावा कोने में यहाँ हम इसको खड़ी पतरी लगती है यहाँ से ऊपर खड़ी, ताकि वो इसको भी पकड़ के रखे और स्टोन को दोनों साइड पे लगाएंगे खड़ी पतरी पकड़ के रखेगी। पतरी हमने लगाई है ये 2.5 फुट तक होनी चाहिए, इसके ये जो किल लगाए हैं ये ऊपर और नीचे इसलिए लगाए हैं ये बराबर के हों तो ये लकड़ी फट जाती है, इसलिए हमने इसको ऊपर नीचे सुराख करके लगाया हुआ है। और पतरी कम अज कम भी 2 फुट से कम ना हो जो हम कोने पे लगाते हैं। ये 2.5-3 फुट तक होनी चाहिए और कम अज कम 2 फुट से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये यहाँ इसकी गुंजाइश है, इधर से मजबूत है, कम होगी तो कमज़ोर हो जाएगी। बड़े पत्थर भी लग सकते हैं, सादे पत्थर, अलबत्ता सूत्र में हो मजबूत हो तो ज़मीन से 1.5 फुट या 1 फुट से ज़्यादा ऊपर ना हो और ऊपर से सिदाई में हो। इसको सीमेंट की बोल्ट में तो ज़रूरी है, बहरहाल बाकी सीमेंट अगर नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है। या लोगों की आसानी के लिए हमने ये मशरा करके ये काम किया है। ये जो काम हुआ हुआ ये पिलर, ये कोने वाला पिलर है, इससे ये दूसरा पिलर आ रहा है, ये इसका दरमियानी वक्फा हमने 4 फुट रखा हुआ है और ईरा ने जो मंजूर किया है वो तकरीबन 6 फुट तक जा रहा है, 6 फुट दूर भी आप पिलर रख सकते हैं। हमने इसके दरमियान ये खड़ी स्पोर्ट इसकी लगा दी है ताकि इसके दरमियान अब वक्फा 2 फुट का रह गया है, इनके दरमियान वक्फा हमने डिवाइड कर लिया है इसके लगाने के से। तो इसके दरमियान जो ब्रेसिंग हमने लगाई है ये इसका साइज़ कम हो जाता है ये इसको तकसीम करने से, इसलिए हमने इसकी ये स्पोर्ट लगाई है ताकि ये ब्रेसिंग ज़्यादा हो और छोटी लकड़ियाँ इस्तेमाल हो इसमें, इसलिए कि गांव में लोगों के मकान टूटे हैं तो मकान टूटने के साथ उनकी जो बड़ी लकड़ियाँ थी वो टूट गई हैं मकान के साथ, तो वो उनको काट के छोटे छोटे हिस्से में भी काट के वो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2 फुट वाले ये पीस इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी तरह ये पीस लंबे इस्तेमाल हो रहे हैं 2 इंच बाई 4 इंच वाले। ये 4 इंच हमने इसलिए रखा है कि जितनी आपने दीवार की चौड़ाई रखनी है, अगर 6 इंच चौड़ाई रखनी है तो ये इसकी चौड़ाई, पिलर की चौड़ाई, ये सब ब्रेसिंग की चौड़ाई आपने 6 इंच रखनी होगी। 4 इंच ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है गाँव में भी हर जगह पर, तो 4 इंच इसकी चौड़ाई हमने रखी है और 4 इंच ज़्यादा मुनासिब भी है, 4 इंच इसकी मोटी दीवार आएगी। तो ये जो ब्रेसिंग लगाई है इसकी 1 इंच बाई 4 इंच है, ये 2 बाई 4 है और ये 4 बाई 4 का पिलर लगाया हुआ है। तो ये लोग उससे नीचे हमने जो किया है फाउंडेशन किया है, फाउंडेशन के बाद हमने उससे काबले निकाले हैं, ये काबले आए हुए, ये काबले नीचे से फाउंडेशन से आए हुए हैं, तकरीबन ये 3 फुट नीचे से आए हुए हैं और यहाँ आके इनको टॉप पे हमने टाइट करके बंद कर लिया है, इसके ऊपर हमने ये पिलर खड़ा कर दिया है। उसके बाद ये दूसरा पिलर आ गया, इस तरह लाइन में सब पिलर लगाते हैं, इसके साथ ये स्ट्रैप लगाई हुई है, पतरी लगाई हुई है ताकि ये पतरी इसको पिलर को भी पकड़ के रखे और दासे को भी पकड़ के रखे। और उसके बाद हमने ये ब्रेसिंग का काम किया है, ब्रेसिंग हमने लगाई हुई है। इसका लगाने का असल तरीका ये है कि ये जब ये फटी लगा दिया हमने तो इसको इस तरह से हमने काट लिया है,
ताकि ये इस पट्टी को भी पकड़ कर रखे, इस स्पोर्ट को भी और इसको पिलर को भी पकड़ कर रखे। ऊपर से हमने यहाँ से इसको कील लगा दिए हैं और ये चीज़ आपको नज़र आ गई आ रही होगी। ये हमने बाहर थोड़ी सी इसलिए रखी हुई है कि हमने ये चीज़ लोगों को दिखानी होती है कि इस तरह से इसको काट के लगाना होता है। अब यहाँ से इसका जो है ना, हमने ये किया हुआ कि ये आधी फट्टी ये काटी हुई है और आधी इसको काटा हुआ है ताकि दोनों आपस में इस तरह से इस तरह से क्रॉस बन के ये एक दूसरे में फंस जाए। इनके दरमियान कोई कील नहीं लगी है, ये बगैर कील के ये इतनी मजबूत हैं कि एक दूसरे को इस तरह मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। इस तरह अगर कोई आदमी नहीं लगा सकता है, सीधी लगाना चाहता है, तो वो बिल्कुल एकदम से सीधी इस तरह से नहीं लगनी चाहिए कि ये जो है तो इधर आके फंस जाए, नहीं बल्कि उसकी एक साइड इस तरह से काट के ताकि इसके ऊपर बैठ जाए, या इसके साथ बैठा दें या इसके साथ बैठा दें, किसी एक साइड पर उसको बैठा होना चाहिए। अब ये फटी है, ये दोनों साइडों पर बैठी हुई है। इसी तरह तमाम लकड़ी जहाँ पे जो है ना साइडों पे बैठाई हुई है हमने। इसका मेन मकसद यही होता है कि दूसरी चीज़ को पकड़ के रखे। अब ये इसको गिरने नहीं देती, इसमें इतनी सलाह वो है कि ये उसके साथ में जलजले में मज़ामत पेश करती है। मेन चीज़ ये रही हमारा वॉल प्लेट, ये आ गई हमारी वॉल प्लेट। इसमें भी जो कश्मीरी जोड़ लगे हुए, इन जोड़ों का मकसद ये जोड़ है, इस जोड़ का मकसद ये है कि एक लकड़ को दूसरी लकड़ अगर जलजला भी होता कि ना ये जोड़ लगा हुआ है ना इधर जा सकेगी ना इधर जा सकेगी। ये हमारी एक मजबूत जो जोड़ है, ये इसको कश्मीरी जोड़ बोलते हैं, ये डला हुआ है। उसके अलावा इसके ऊपर हमारा ये आ गया राफ्टर। अब राफ्टर की जो लंबाई है हम वो रखेंगे एक वो बीम से दूसरे इस बीम तक, हमारा बिल्कुल इसके बाहर फेस तक बराबर होना चाहिए। उसके बाद ऊपर से जो ये हमारा गया हुआ है टाई बीम, ये जोड़ का है ना कैंची का, ये कैंची का जोड़ है। इस जोड़ का जो है ये तरीकाकार है कि इसको पहले ये नीचे टाई बीम को रख के उसके ऊपर फिर ये हम सेंटर से इसका पैमाइश करेंगे कि हमने इसकी हाइट कितनी रखनी है, 3 फुट है या 4 फुट है, उसके हिसाब से फिर हम जो है इस कैंची का जोड़ लगाएंगे। अब उस जो वो जोड़ इस तरीके से होगा, वो भी एक कश्मीरी तरीका है ये इस जोड़ का भी, तो इसको फिर इधर से इस तरह काट के आगे से फिर इसको 1.5 फुट हमने बाहर निकालना है यहाँ से इधर तक ऊपर ये राफ्टर को। अब ये बाहर निकल गया, ऊपर तक चला गया, तो इसकी लंबाई हमने एक साइड से दूसरी साइड और इस साइड से इस साइड तक हमारी जो लंबाई होगी वो बिल्कुल दोनों की बराबर होगी और एग्जैक्ट होगी। उसके बाद फिर ये नीचे ये लगाने का मकसद ये है कि यह ताकि ये ऊपर से नीचे अगर वजन भी पड़े तो ये लकड़ जो है इसको नीचे नहीं बैठने देती। और दूसरा ये एक स्पोर्ट इस साइड पे लगी हुई है और एक स्पोर्ट इस साइड पे लगी हुई है, और ये स्पोर्ट हमने इस तरह लगानी है ताकि बिल्कुल ऊपर वाली जो हमारा राफ्टर है राफ्टर के साथ बिल्कुल जाम होनी चाहिए। और उसके अलावा ये स्पोर्ट भी हमारी राफ्टर के साथ कटाई इस तरह करनी है ताकि राफ्टर के साथ दोनों साइडों से जाम हो। उसके अलावा ये जॉइंट्स है ऊपर, ये भी इसी तरह लगा हुआ, ऊपर ये स्क्रैप लगी हुई है पत्ती, तो इसको जो आपस में मजबूत करने के लिए हमने ये लगाई हुई है। उसके बाद मैं बताऊं ना, कोई लगाना चाहता है अगर पोस्ट तो वो भी लगा सकता है। अगर कोई बंदा इसके सेंटर में इस तरह पोस्ट लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है, जिस तरह हमारी एक वो आगे लगी हुई है वो सामने, तो उस तरह भी लगा सकता है क्योंकि वो भी मजबूत चीज़ होती है, इससे ज़्यादा अगर कोई समझे तो मजबूत चीज़ वो है। लेकिन अगर ये तो हमने एक सिंपली तौर पे काम किया है, सिंपल बनाया है इस वजह से ताकि इसमें खूबसूरती आनी चाहिए, तो इस वजह से हमने ये जोड़ इस्तेमाल की और ये तरीकाकार इस्तेमाल किया। तो बाकी जो ऊपर हमने चादरें लगाई हुई हैं, चादरों का जो तरीकाकार है वो भी इसी तरह से लगती हैं, एक साइड से दूसरे कोने तक डोरी बांध के आगे से आगे वाली साइड से, और उसके बाद ऊपर जो है फिर ताकि चादरें एक सूत्र भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल बराबर एग्जैक्टली लगती है। उसके बाद आगे हमने ये चीज़ लगाई हुई है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए है, झालर कहते हैं इसको, ताकि ये आगे से इसका जो है खूबसूरती जाहिर करें। तो इसके जो है साथ साथ हमारा ये छत का और गेंजी का काम कंप्लीट हो गया है जो हमने कर लिया। अभी इसके बाद हमने करना है जो कि दजी है उसकी, इसके अंदर जो चुनाई करनी है और मट्टी वगैरह जो मट्टी हमने पत्थर इस्तेमाल करने, वो तरीका ये है कि एरा के हवाले से हमारा जो तरीकाकार है वो ये है कि इसमें निसफ मट्टी और निसफ पत्थर होने चाहिए। तो इसी तरह छोटे छोटे 4 इंच के पत्थर होंगे जिसकी बनस्बत हम ताकि इस लकड़ी से इतना बाहर हो ना अंदर हो, तो उसके हिसाब से हमने इस्तेमाल करनी। ये हमने इसको मजबूत करने के लिए पिलर को पकड़ने के लिए पिलर
बॉल प्लेट और दासे को आपस में जॉइनिंग के लिए हमने स्ट्रैप इस्तेमाल किए हैं, उनको पतरी कहते हैं अपनी देसी जबान में। ये पतरी ये लगी हुई है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये कीलों से इसको बांधा हुआ है, ऊपर से भी इसको ये कील लगे हुए हैं और नीचे से भी ये कील लगे हुए हैं। ये पतरी हमने इसके कैची से लगा के इसको बॉल प्लेट में इसको एडजस्ट किया, एडजस्ट यहाँ से लेकर इसकी सिरी में एडजस्ट किया, यहाँ से यहाँ तक इसको ये बाहर वाली साइड पे ये हमने वैसे लगाई हुई है। तो जैसे ये सामने आपको नज़र आ रही है ये लगी हुई है, इसने सबको पकड़ के रखा हुआ है। इसका बुनियादी मकसद यह है कि ये यहाँ पे हवा ज़्यादा होती है, हवा के साथ मकान उठ जाता है, उठने के लिए इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये इसको उठने नहीं देगी। ये पतरी इतनी मजबूत होती है, यू शक्ल की बताएं तो यू शक्ल की भी पतरी होती है जिसको यहाँ से यहाँ तक, ये हमने सिर्फ दिखाने के लिए जिस तरह ये चीज़ है ये आप देख रहे हैं, ये इस पिलर के ऊपर ये सीढ़ी हमने नहीं दी है जो आपने पहले यहाँ देखी है, ये सीढ़ी इसको सीढ़ी कहते हैं, ये सीढ़ी हमने यहाँ पर नहीं दी है, इसलिए यहाँ दिया कि यहाँ इसके ऊपर ये जोड़ आ रहा है, कश्मीरी जोड़ आ रहा है, जोड़ के लिए हमने ये सीढ़ी लगाई हुई है ताकि जोड़ पे कोई वजन ज्यादा ना आए। जो लकड़ी लगी है ये दो चार की है, एक मिनट, ये दो फुट का वक्फा है, ऐसे भी दो फुट है, इसकी क्रॉस ब्रेसिंग हो रही है, इसकी मोटाई एक इंच है, चार इंच ये चौड़ी है, इसका बाकी जो मेन ब्रेसिंग है ये दो चार इंच चौड़ाई है इसकी, तो मेन पोस्ट इसकी चार बाई चार की है, नीचे जो दासा है हाँ ये इसमें ये डोर है, डोर की ऊपर वाली साइड है, तो इसकी ब्रेसिंग है, ये पोस्ट है, कोने पे इसका ये जो दासा लगा हुआ यहाँ से पोस्ट उठी है, ये मेन पोस्ट है जो चार बाई चार की है, तो इसमें ये जो ब्रेसिंग है ये एक इंच चार इंच की है, ऐसे ही ये वाली जो इसमें ये मेन ब्रेसिंग है ये दो चार की है, तो इसमें क्रॉस ब्रेसिंग है, इसकी मजबूती है अच्छी है, ये तो नीचे जो दासा लगा हुआ है ये भी चार बाई चार का है, ये पूरा प्लांच पे ऊपर भी जो बाल प्लेट पड़ी हुई है ये चार बाई चार की। और ये वाला क्या है? ये क्रेंची है, वो पीछे जो ये इसकी तीन पांच की लकड़ी है ये वाली, कौन ये वाली क्रेंची है, ये इसका टाई बीम आता है, ये तीन पाँच का है इसका साइज, तो इसमें ये बस वो मेटल वाला चीज़ क्या है, वो जो पैन लगा है ये वाला जी, ये वाला की क्या है? ये इसको पतरी बोलते हैं, ये मजबूती के लिए दोनों तरफ से लगाते हैं इसको ताकि जॉइंट जो है मजबूत रहे, जोड़ है ये टाई बीम है क्रेंची का, इसमें ये दरमियान में किंग पोल है और ये इसकी सपोर्टें हैं क्रॉस सपोर्ट, तो इसमें ये सब पत्तियाँ मजबूती के लिए, जोड़ों की मजबूती के लिए लगाई हुई हैं ताकि इसमें मजबूती हो। उसके बाद ये क्रेंची की ये साइडों पे ये लगे हुए हैं कॉर्नर पे मजबूती के लिए, ये जो कॉर्नर पे लगे हैं क्रेंची की साइडों पे ताकि इससे ये मजबूती हो, क्रेंची इधर उधर ना जाए।
सामने डब्बे की दीवारों के अंदर इनफिल के लिए जो मिट्टी तैयार की जा रही है, इसके अंदर बेसिकली जैसा आप देख सकते हैं कि खाली मिट्टी है और साथ कुछ पत्ते मिक्स किए जा रहे हैं ताकि इनका आपस में जोड़ बन सके। जी खान साहब, इसमें क्या डाल रहे हैं मिट्टी के अलावा? मिट्टी के अलावा इसमें हम डाल रहे हैं चलो तो डाला है। तो कितनी देर में मिट्टी तैयार हो जाती है? ये इसमें लगेगा 20-15 मिनट लगेगा, इसमें 15-20 मिनट लगेगा। हाँ। उसके बाद तैयार हो जाएगा डालने के लिए। हाँ, इसमें पत्थर कब डालते हो अभी? पत्थर जी, वो जो पत्थर डालते हो अभी दीवार के लिए? दीवार के लिए पत्थर तो अंदर डालते हैं, अंदर डालते हैं जाके। हाँ। बाहर अभी सिर्फ मिट्टी तैयार कर रहे हो? बाहर मिट्टी तैयार कर, तो अंदर पत्थर और मिट्टी मिक्स डालते। अच्छा, उसके बाद फिर दीवार में डालते हो आप? हमारे सामने ये मिस्त्री जी लिपाई कर रहे हैं फर्श की। अच्छा, बताएंगे कैसे इसकी टीका कार क्या है? इसको पहले मॉडल में लिपाई करेंगे, फिर ये सूख जाएगा, फिर इसको मिट्टी हो रहे। कितने अच्छे तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा? फर्श डालेगा 10 दिन नहीं इस कमरे का, मतलब कितनी देर के बाद आप इसमें लुक मिक्स करेंगे बाद में? दस दिन के वक्त के बाद के पहले आप सारी मट्टी डालेंगे? हाँ, सारे कमरों में मट्टी डालेंगे। उसके बाद इसको रुक और रेत। अभी जो आप मट्टी डाल रहे हो इसमें क्या क्या चीज है? खाली मट्टी है और कुछ चीज है? पत्थर भी है। और जो पत्ते हैं वो चीड़ के वाले? काल के। अच्छा, काल के पत्ते हैं। अच्छा, तो दीवारों की लिपाई भी आपने की है? ये जो अंदर भराई है? हाँ, नहीं ये भराई की, अब ये सूखने के बाद। Also doing the same. ये पत्थर क्यों लगाते हैं सर? किस लिए लगाते हैं पत्थर के? इसके दर्जी के लिए, छोटा छोटा पत्थर इसलिए लगाया जाए सर। इनके जो मिट्टी और पत्थर अंदर से लगा रहे हैं वो ठहर जाए इसमें। तो ये कितने अच्छे तक लगा के रखते हैं, उसके बाद उतार लेते हैं आप? ये तकरीबन 3-4 दिन बाद उतारेंगे सर। 3-4 दिन तक सूख जाता है गारा इसके अंदर से? मेरा नाम है अर्शद हुसैन, मैंने इधर हेल्परी किया है दर्जी की। तो इधर जब भराई किया, दर्जी तैयार हुई है, इसमें ये जो गारा है, स्नोथर है और पत्थर है, ये तीनों लगे। उसके बाद इसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने इसको पहला कोट किया मिट्टी का, पहला कोट करके हमने इसको क्लियर करके छोड़ दिया। ये इन्होंने सिर्फ बताने के लिए सैंपल रखा है कि ये कोई आएगा मेहमान उसको बताएंगे कि दर्जी की इस तरह कर रही है फिनिश। उसके बाद हमने इसको क्लियर करके दूसरे कोट में, पहले कोट में चला गया। पहला कोट में हमने मुकम्मल कर दिया। पहला कोट मुकम्मल करने के बाद हमने बाहर से और अंदर से ये क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने दूसरा कोट शुरू कर दिया। इंशाल्लाह कल हमारा जो है ना दूसरा कोट भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमने भूसा डाला है, उसके बाद बूरा डाला है, लकड़ी का जो बूरा होता है, बूरा होता है लकड़ी का। उसके बाद हमने मिट्टी डाली है, रेत डाली है। रेत के बाद हमने इस तरह किया है कि इसको अपने पाँव के साथ दबाया है, ये पतला पतला बारीक हो गया। उसके बाद हमने इसको इस तरह किया कि एक जाली से निकाल के, ये पहला कोट है, दूसरे में इसने हमें सफाई दी है। ये चीज़ें मोटे मोटे वाली आपको नज़र नहीं आएंगी दूसरे कोट में। तो ये क्लियर करके दूसरे में हमने इस तरह किया कि मिट्टी, रेत और सीमेंट, ये तीनों चीज़ें डाल के पानी उसको इतनी मिकदार में दिया कि वो हल हो जाए और बराबर हो जाए। उसके बाद हमने इस तरह किया कि जो सीमेंट है, सीमेंट तीसरे कोट में उसके ऊपर लगा के तो गुरमाला मारेंगे, वो सफाई आ जाएगी। उसके ऊपर डिस्टम्बर और पेंट भी कर सकते हैं। ये पहले जो है ना, पहले दूसरे कोट में हमें, ये हमारी दर्जी की जब भराई हुई है, दर्जी की जिस टाइम भराई हुई है, उसके बाद हमने इसकी लिपाई का प्रोग्राम किया, लिपाई स्टार्ट किया है। लिपाई इस तरह स्टार्ट किया है कि हमने पहले इसका बाहर वाला हिस्सा मुकम्मल किया है लिपाई करके। उसमें हमने डाले हैं किंग रेडी, हमने मिट्टी की डाली है। उसके बाद हमने बूरा डाला है, ये वाला मोटा वाला बूरा, ये हमने बारीक नहीं किया था पहले कोट में, ये डाला है। ये हमने 2-3 तोड़े डाले हैं और ये वाले हमने जो है 4 बंडल डाले हैं मोटा वाला, ये हमने बारीक नहीं किया था, अभी हम बारीक कर रहे हैं दूसरे कोट में।
यह हमने पहले कोट में इसी तरह डाला है, कोई इसकी सफाई सफुई नहीं किया, दूसरे कोट में हमने इसका सफाई शुरू की है। यह फैल किया बारीक वाली मिट्टी नीचे, यह वाला हम ज़ाया कर देंगे और यह वाला हम इस्तेमाल करेंगे, नीचे फेंक देंगे। फर्ज किया ये देखे नीचे मट्टी हमने फेंकी है, ये मट्टी है, मट्टी के ऊपर हम पहले बुरा फेंकेंगे, बुरा इस तरह करके फेंके, बुरे के बाद भूसा फेंकेंगे, भूसा फेंके पानी इसको दे रहे हैं, पानी दे के जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम खुश्क हो जाएगा थोड़ा सा बुरा, तो इसको हम पों के साथ रख लेंगे, अगर नरम हो जाए तो इसमें हम बुरा और डाल के इसको हम गाढ़ा कर सकते हैं, पेस्ट इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो हाथ से लगे नहीं है, दूसरे कोट में इससे ज़्यादा सफाई आती है। दीवार पे इसलिए नहीं लगेगा कि इसमें जो है पानी ज़्यादा है, ज़्यादा मिकदार में है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो है ये दीवार पे लग जाएगा, ये थोड़ा गाढ़ा है, इसको हम रगड़ा देकर गा सकते हैं, ये वाला जो है घुरमाले के साथ और रात के साथ नीचे आ जाएगा, इस पर दराड़े पड़ गई हैं बेफर्स, उसके बाद इसको किसी तरह का कोट किया जाए। ये लिपाई करने के कितने वक्त के बाद पानी डालेंगे? बस अभी तो ये जब थोड़ा सा ये सूख जाएगा इसके बाद इसको पानी दें, तो अगर बेफर्स इसमें दराड़े पड़ गई हैं फिर इसी तरह का कोट इस पर दोबारा किया जाएगा। पानी कितने वक्त के बाद लगाएंगे? आधे घंटे बाद पूरा कर रहा है लिपाई करने की, आधे घंटे के बाद पूरा एक दीवार करने के बाद भूसा, ठीक है भूसा इसी किस्म का होता है, ये इसी तरह की स्टिकी इसमें आती है भूसे में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उल्टा इसको मजबूत करता है, कच्चा नहीं करता। इस चीज पानी लगा के हम दीवार को मलेंगे जी, पानी लगा के आप दीवार को इस तरह मलेंगे इसकी सफाई आ जाएगी, रेगुल आ जाएगा, ये लाजमी भी है पानी लगाना इसको, और दीवार को मलना भी लाजमी है, मलना भी लाजमी है। ये आप देख रहे हैं इसमें सफाई आ गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया।